हे गाइज हाउ आर यू, आई होप यू फाइन। तो गाइज मैं एंड मेमरी साइज आपको स्वागत करते हैं बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइज मान ली आज हम बात करने वाले हाउ टू सॉल्व फेसबुक डिजेबल अकाउंट। आप अपने फेसबुक डिजेबल अकाउंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यही जानकारी आपको इस वीडियोज में देने वाला हूँ। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोज ऐसे बनाया है जिसमें आपको डिजेबल अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स बताया है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे यूजर्स थे जिनका सॉल्व हुआ है और बहुत से ऐसे यूजर्स भी थे जिनका सॉल्व नहीं हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपका डिजेबल अकाउंट कई प्रकार से हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिस कारण से हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बातें हो जाती हैं जिस कारण से आपका फेसबुक की तरफ से डिजेबल कर दिया जाता है आपके अकाउंट्स को। तो बहुत सारे इशू होते हैं जिस कारण से आपके अकाउंट को डिजेबल किया जाता है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको कई तरह से मिल सकते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद जो स्टेप यहाँ पे करूँगा वो स्टेप आपको करना है अपने मोबाइल फोन में जाकर के, उसके बाद आपको देखना है कि आपका अकाउंट सॉल्व होता है या फिर नहीं। लेकिन आपको ये करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो फाइनली आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपका ईमेल पासवर्ड लूंगा, उसके बाद उसको चेक करूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उसका सॉल्व होगा, तो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने 2-3 वीडियोज जो मैंने बनाया तो वहाँ पे आप लोगों का अच्छा खासा प्यार था, लेकिन वहाँ पे जो आप वीडियोज देखे ना वही गलती आप लोग की, क्योंकि बहुत से बंदे ने क्या किया इतना स्किप करके देखा कि वहाँ पे सिर्फ वो स्टेप कंप्लीट किया है और वहाँ पे स्टेप करके वहाँ पे अप्लाई किया, उसके बाद उसका सॉल्व नहीं हो पाया जिस कारण वो कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई मेरा नहीं हुआ। तो फाइनली आप ऐसे गलती नहीं करें, जब वीडियो मेरा वॉच करें तो आप पूरी स्किप करके ना देखें। ऐसे लोग थोड़ा थोड़ा अगर स्किप करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पूरे ज़्यादा ज़्यादा स्किप करके देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं जब आपको स्टेप करता हूँ ना, उस स्टेप करने के बाद मैं आपको स्टेप करने से पहले कुछ ऐसे बातें बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं और वही बात आप मिस कर जाते हैं जिस कारण से आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। इसलिए आप वीडियो जब मेरा देख रहे हो तो फाइनली कंप्लीटली देखें, बिना स्किप करके देखें, ताकि आपको फायदे हो सके और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड हो सके और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको भी कंप्लीटली सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपको ये स्टेप करने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आप मेरे तरफ से जितना हो सके, एक दिन में जितना होता है मैं उतने लोगों का तो सॉल्व करता हूं, लेकिन मेरे तरफ से जितना हो सके आपका भी हेल्प करूंगा अगर आपका नहीं होता है इस सेटिंग्स करने के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि टेक्निकल से रिलेटेड जब भी कोई अपडेट आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अगर आप ये सोच रहे हैं कि फाइनली मैं अपने फेसबुक के ऑफिशियल एप्लीकेशंस में जहाँ पे मेरा डिजेबल अकाउंट दिखा रहा है वहीं पे जाकर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ अपने डिजेबल अकाउंट को, तो यहाँ पे आपका सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आगे जाएंगे तो फाइनली आपको टैप टू रिटायर मिलेंगे ऑप्शन और वहाँ पे आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएंगे, बल्कि यहाँ पे कट करके जो वहाँ पे लॉगिन भी होगा तो वहाँ पे आपको हट जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको करके भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको सॉल्व करूँगा यहाँ पे जो कि यहाँ पे आपका डिजेबल अकाउंट सॉल्व होगा वह जो कि आपको गूगल क्रोम की मदद से होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे क्लिक करके आगे स्टेप जब करेंगे तो फाइनली थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद जो कि यहाँ पे जो कि ये वर्क नहीं करेगा, फाइनली आपका टैप टू रिटायर होकर ये जो कि ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद कनेक्शन लॉस्ट टैप टू रिटायर है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लू आएंगे फिर ग्रीन ब्लू इस तरह से आएंगे एंड उसके बाद थोड़ा देर के बाद भी टैप टू रिटायर होने के बाद फिर से यहाँ पे लोडिंग होकर के ये बैक हो जाएंगे और बैक होने के बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कि आपके फिर से जो कि फेसबुक पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो आप लॉग इन किए होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करना होगा और फिर से वही ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से आपको ये सॉल्व नहीं होने वाले, इसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद में यहाँ पे आपको अपने गूगल क्रोम में facebook.com यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है एंड उसके बाद अपने facebook.com सर्च करने के बाद में इसमें जो कि अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है, उसके बाद आगे स्टेप क्या करना है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपना ईमेल और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन करता हूँ एंड उसके बाद आपको बताता हूँ आगे स्टेप क्या होंगे। तो फाइनली मैंने यहाँ अपना ईमेल पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कि दो ऑप्शंस यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, एक तो लर्न मोड का, दूसरा लेटेस्ट नो। तो यहाँ पे आपको लर्न मोड वाले ऑप्शंस पे जाना है, ना कि अगर आप लेटेस्ट नो पे जाएंगे तो फाइनली आपको यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका कोई जो कि सॉल्यूशंस नहीं होंगे, आपका फिर से यहाँ पे बैक हो जाएंगे और यहाँ पे भी आपको जो कि लॉग आउट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, लर्न मोड वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप ओके भी करेंगे तो फाइनली आपको बैक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ओके और लेटेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पे क्या करना है, फुल लर्न मोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए कि लेटेस्ट अगर नो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो फाइनली आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक बैक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करना हो,
इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि फाइनली आपको यहाँ पे जो कि लर्न मोर वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना। चलिए फिर से मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ एंड आगे स्टेप क्या होगा वो आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली आप क्या करना है, लर्न मोर वाले ऑप्शन को क्लिक करके आगे स्टेप क्या करना है वो आपको चले आना है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि व्हाई डज फेसबुक लिमिट्स द सर्टेन फीचर्स एंड व्हाट्स द लिमिट्स। यहाँ पे आपको कहीं भी कुछ तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या तो आपको फीचर्स बुक्स ऑप्शन मिलेगा और दूसरा नीचे जो कि वाज दिस हेल्पफुल, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वाज दिस हेल्पफुल जो कि यही जो कि आपको यहाँ पे काम करेगा, बाकी आपको अदर यहाँ पे कोई जो कि रास्ता नहीं मिलती है जिससे आपका डिजेबल अकाउंट सोल्व हो पाए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फीचर्स बुक और दूसरा जो कि वाज दिस हेल्पफुल। तो यहाँ पे आपको वाज दिस हेल्पफुल में आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आप यस करेंगे तो फाइनली आप यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे फेसबुक सॉल्व नहीं पाए कर पाएगा और ना ही आपका हेल्प हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वाज दिस हेल्पफुल में आपको जो कि ऑप्शंस को नो करना है एंड नो करने के बाद आपको यहाँ पे करना है द सोल्यूशन डज नॉट वर्क। यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, तो चारों ऑप्शंस में से आपको किसी को भी नहीं सेलेक्ट करना है, बल्कि आपको सोल्यूशंस डज नॉट वर्क जो आपने सोल्यूशंस बताया या वर्क नहीं कर रहा है तो आप मेरी हेल्प कीजिए। तो फाइनली यहाँ पे आपको द सोल्यूशन डज नॉट वर्क यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्शनल जो मैं यहाँ पे डालूंगा वही ऑप्शनल यहाँ पे आप सेम भी डाल सकते हैं या फिर आप डिफरेंट भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आपको किस तरह से हो रहा है, कितने दिन हो गया, कैसे कैसे आपको फेस करना पड़ रहा है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शनल भरना है और फाइनली लास्ट में जो कि अपना ईमेल पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना ऑप्शनल डाल करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से डालना है एज एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो कि ऑप्शनल यहाँ पे सबसे पहले जो कि काम करना है वो अपना फिल करना है। तो गाइस फाइनली मैंने अपना ऑप्शनल यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे फिल कर दिया और इस तरह से आपको डाल देना है। यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ कि क्या लिखा है। हे डियर फेसबुक फैमिली, आई एम योर फेसबुक यूजर्स, समटाइम्स आई कैन नॉट यूज़ फेसबुक बिकॉज माई अकाउंट हैज़ बिन डिजेबल्स एंड वेन आई फ्रस्ट्रेट समटाइम्स एंड आई डोंट नो कि हाउ टू एनेबल फेसबुक डिजेबल अकाउंट एंड सोल्व माई फेसबुक डिजेबल अकाउंट। उसके बाद अपना ईमेल पासवर्ड डाल देना है। इसलिए कि यहाँ पे चूँकि मैं यहाँ पे इसकी रिकॉर्डर्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना यहाँ पे जो कि इस तरह से आपको डाल देना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग करना है कि मैं अपना फेसबुक का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अपना वहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखना है। उसके बाद अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है एंड यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है, ठीक है। ये सबमिट करने के बाद आपको जो कि वेट करना है, समटाइम्स आप समझ लीजिए 2 से 3 दिन वेट करना तो होगा ही, क्योंकि आपका जो कि डिजेबल अकाउंट हुआ वो जल्दी से सॉल्व नहीं होता है। कभी कभी आपको 1 महीना भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि जब आप यूट्यूब पर देखेंगे तो अगर आपका डिजेबल अकाउंट हो जाते हैं तो 3 महीना लग जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे भी आपको टाइम लगेगा, 15 दिन 10 दिन कुछ भी हो सकते हैं, 2-3 दिन में भी सॉल्व हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट्स कि आपका अकाउंट्स पर किस तरह का डिजेबल प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग आपका भी सॉल्यूशन होगा यहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइम्स लगेंगे क्योंकि आपका डिजेबल अकाउंट हुआ है, तो यहाँ पे आपको समटाइम्स लग सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब में अगर आपका डिजेबल होगा तो 3 महीने बाद होते हैं, तो लेकिन यहाँ पे आपको कम ही समय में हो जाएंगे।